कसर कुल्लू बैत माफी हिंदी वाला पाकिस्तानी कुल्लू बिरयानी खत्म बाय बाय जबील। अच्छा ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं आपको सुना भी देता हूँ। सऊदी का क्या ही भाई, नुसरत फ़तेह अली खां का ये, इसने कोई ब्लड ग्रुप तो नहीं लगवा लिया? आपको एक मजाइय किस्म का सुना देता हूँ मैं इसका। मुझे सबसे इस क्लिप में इंटरेस्टिंग जो चीज़ लगी वो ये है जी, कुल्लू बिरयानी ख़त्म। उसको पता है इंडियन पाकिस्तानी जो है ना बिरयानी के शौकीन होते हैं। जब तक जो हालात चल रहे हैं जी, आपको पता है डुस 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 ग्राओ 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 बस चल रहा है। तो इसके मतलब एक सऊदी ने एक गैर मुल्कियों के साथ एक ना बहुत अच्छा क्लिप बनाया और सोशल मीडिया के ऊपर डाला और काफ़ी वायरल हुआ। मैंने भी सुना, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आपको यहाँ पर अभी मैं सुना देता हूँ साथ में। यार पहले एक क्लिप ही आप सुन लें, फिर मैं मजीद इसके मतलब और बात कर लेता हूँ। सुन लें आप इसके दो तीन बोल। माफी इल्ला कसर बाय बाय सबील बाय बाय सबील बाय बाय सबील बाय बाय सबील कुल्लू बिरयानी खत्म। एक काफ़ी मजाया वीडियो है जी, और जद्दा में आपको पता है जी बहुत से इलाके गिरा दिए गए हैं, बनी माल का सफाया कर दिया गया है। अभी उसके अलावा और कुछ जो एरियाज़ हैं वो गिराना शुरू हो चुके हैं जी, हयल रहाब वगैरह। और जी बात की सिर्फ ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही था जी कि ठीक है जी, गिराना तो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिए हुए हैं वो गिराए जा रखे हैं। हमने तो किरायों के ऊपर घर लिए हुए थे, वो छोड़ दिए हैं, कहीं और ढूंढ लिए हैं, लेकिन सऊदी को तो भाई घर गिराए जा रखे हैं। मानता हूँ उनकी जगह पर उनको कुछ मुआवजा वगैरह ज़रूर दिया जाएगा, या बिल्डिंग वगैरह खड़ी करके दी जाएंगी, उनके पैसे वगैरह उनसे और लिए जाएंगे। लेकिन बात यह है जी कि परदेशियों को मैं यही बोलूँगा जी कि आपकी हमारी परदेशियों के मतलब मुश्किल ये है जी कि नकल मकानी हो चुकी है एक से दूसरी जगह में। और बहुत से मैं ऐसे परदेशियों को भी जानता हूँ जो पाकिस्तान में आ चुके हैं जी छुट्टी के तौर पर, छः छः महीने या खरूज लगवा करके, या जद्दा के हालात कुछ बेहतर होंगे फिर दोबारा जाएंगे।